नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और स्वागत है आपका किंग इन किचन में। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं स्टफ कैप्सिकम यानी भरवा शिमला मिर्च। ये रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी है, आप बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों, वैसे तो स्टफ कैप्सिकम या भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती है, पहले स्टफिंग तैयार करने के लिए और फिर शिमला मिर्च को फ्राई करने के लिए। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह हम कम तेल यूज करके भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमें स्टफ्ड कैप्सिकम के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए 3 हरी मिर्च, हमने बारीकी से काट लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून नमक, 1 प्याज, लहसुन बारीकी से कटे हुए और 20 ग्राम कैरेट को हमने छोटा करके काट लिया है और बॉईल भी कर लिया है। अब हमें शिमला मिर्च को स्टफिंग के लिए तैयार करना है। हम इसे एक नाइफ़ की मदद से इसके स्टेम को निकाल लेंगे और फिर इसका अंदर का जो फ्लैश है और जो सीड्स है उसे हमें निकाल लेना है। तो यहाँ मैं एक बटर नाइफ़ का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो छोटा सा चम्मच या छोटा नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें अच्छी तरह इसके सीड्स को बाहर निकाल लेना है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ नहीं है अभी। इसी तरह हम तीनों कैप्सिकम का सीड्स निकाल लेंगे और हमें यह भी इंश्योर करना है कि इसका जो नीचे का हिस्सा है वो भी फ्लैट रहे। अगर वो फ्लैट नहीं है तो हम इसका नीचे का हिस्सा हल्का सा स्लाइस करके इसे फ्लैट कर देंगे। तो दोस्तों, तीनों कैप्सिकम को मैंने रेडी कर लिया है स्टफ करने के लिए। स्टफिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 आलू लिया है, इसे हमने पहले ही बॉईल कर लिया है। अब एक फोक की मदद से मैं इसे मैश कर रहा हूँ, आप चाहे तो पोटैटो मैशर या पाव भाजी मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम एक बड़ा सा कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे, फिर डालेंगे जीरा। जीरा जब स्प्लटर होना शुरू हो जाए तब हम उसमें डालेंगे हरी मिर्च, बारीकी से कटे हुए लहसुन, इसे हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जब लहसुन हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तब हम उसमें डालेंगे प्याज, जो हमने पहले से काट के रख लिया है। प्याज डालने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक, हींग पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे थोड़ी देर पकाएंगे जब तक प्याज हल्का सा पक ना जाए। जब प्याज हल्का सा पक जाए तब इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, आप चाहे तो आमचूर पाउडर अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको खटाई पसंद नहीं हो। फिर से हम अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे और फिर हम ऐड करेंगे ग्रीन बीन्स और कैरेट जो हमने पहले से काट के रखा हुआ है और बॉईल भी कर लिया है। फिर हम ऐड कर रहे हैं इसमें आलू जो हमने मैश करके रखा हुआ था, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला पूरा आलू में अच्छी तरह पकड़ ले। तो हमारा स्टफिंग तैयार हो गया, हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए तब हम इसे शिमला मिर्च के अंदर स्टफ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह इसे स्टफ कर रहा हूँ। आप एक छोटा सा स्पून लीजिएगा क्योंकि अगर बड़ा स्पून हुआ तो अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा और इसे आपको दबाते रहना पड़ेगा ताकि अंदर तक पूरा स्टफिंग चला जाए, अंदर में कुछ गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह आपको सभी शिमला मिर्च स्टफ कर लेना है। मैंने तीनों शिमला मिर्च को स्टफ कर लिया है, अब मैं इसे फ्राई करूँगा। फ्राई करने के लिए मैं वही कढ़ाई यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसे धोया नहीं है क्योंकि इस बार जो भी मसाला बच गया है वो कैप्सिकम में अच्छी तरह पकड़ लेगा। यहाँ मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगा और फिर थोड़ा ऐड करूंगा रेड चिली पाउडर और नमक,
ये मैं इसलिए डाल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो हमारा कैप्सिकम का बाहर का हिस्सा है उसमें हमने कुछ स्पाइसेस ऐड नहीं किया है, तो अगर हम ये ऐड नहीं करेंगे तो उसका टेस्ट फीका पड़ जाएगा। तो उसे भी हम टेस्टी करने के लिए मैंने यहाँ रेड चिली पाउडर और नमक ऐड किया है। अब हम इसे चारों तरफ अच्छी तरह हमें फ्राई कर लेना है। हम बीच बीच में इसे हिलाते रहेंगे और साइड चेंज करते रहेंगे ताकि इसकी सभी तरह से हम अच्छी तरह फ्राई कर लें। तो आप फोक या फिर स्पून या फिर स्पैटुला के मदद से भी आप इसे हिला सकते हैं। अब हम इसे पलट के उसका जो ऊपरी हिस्सा था हम उसे भी फ्राई कर लेंगे। ऊपरी हिस्सा फ्राई होने के बाद फिर हम इसे पलट के इसके नीचे का हिस्सा फ्राई करेंगे। तो दोस्तों मैंने पहले आपको बताया था कि नीचे का हिस्सा अगर फ्लैट ना हो तो आपको उसे काट के फ्लैट करना है। अगर आपने नहीं किया तो फिर नीचे का हिस्सा फ्राई करने के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी। हमने इसे बंद करके अराउंड 5 मिनट पका लिया है। तो ये अच्छी तरह फ्राई हो गया है चारों तरफ से। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का सा ब्लैक कलर भी आ गया, यानी अच्छा सा फ्राई हो गया है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा स्टफ्ड कैप्सिकम यानी भरवा शिमला मिर्च बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तब इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू।